नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। तो दिन का पहला कोरोना अपडेट आया है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले कोरोना अपडेट में बताया है कि बिहार में मरीजों की संख्या 3000 के पार हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में पहले अपडेट के तहत स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में 38 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बिहार में वो बढ़कर 3006 हो गई है। इस दौरान आपको बता दें कि जो नए 34 मरीज मिले हैं, माफ कीजिएगा, जो 38 नए मरीज मिले हैं, उनमें से जिस तरीके से बात करें तो सबसे अधिक अररिया से 14 मरीज मिले हैं। वहीं मधेपुरा की बात कर ले तो मधेपुरा से 9 मरीज, सारण से 4 मरीज, इसके अलावा दरभंगा से 4 मरीज मिले हैं, सहरसा से 3 मरीज, बेगूसराय से 2 मरीज मिला है, इसके अलावा वैशाली और किशनगंज से एक एक नए मरीज मिले हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग के ताज़े आंकड़े हैं जो बुधवार दोपहर 1 बजे तक के हैं। 1 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत बिहार में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3006 हो गई है। मरने वालों की संख्या, क्योंकि इसके बारे में अभी फिलहाल कोई ताज़ा अपडेट नहीं आया है, तो मंगलवार को जो स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट दिया था उसके तहत 14 है, और मंगलवार शाम तक जो अपडेट आया था बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या, वो हम आपको बता दें वो 800 है। आज अभी तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का अपडेट नहीं दिया गया है और ना ही किसी के मौत की खबर सामने आ रही है। तो कुल अगर आंकड़े की बात कर ले जो आज तक, मतलब बुधवार दोपहर 1 बजे तक का है, उसमें बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3006 हो गई है। देश की स्थिति आपको एक बार बता देते हैं। देश की स्थिति यह है कि मरीजों की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। कुल मरीजों की संख्या की बात कर लें तो 1,51,767 हो गई है ये मरीज हैं। इसमें से आपको बता दें कि 4,337 मरीज की मौत हो गई है। वहीं अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात कर लें देश में, तो वो 64,426 ऐसे मरीज हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की बात कर ले, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत जो आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़े कल के हैं, मंगलवार रात तक के आंकड़े हैं, क्योंकि बुधवार का अपडेट शाम के 5 या 6 बजे के बाद आता है और उसके बाद स्वास्थ्य महकमा केंद्र सरकार का है जो वो बताता है कि कितने मरीज बढ़े हैं या नहीं है। तो वही आंकड़ा हम आपको कल रात तक के आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़े हैं जिसमें एक्टिव केस की संख्या 83,004 है, अर्थात 83,004 लोग फिलहाल भारत में पूरी तरीके से एक्टिव केस हैं, ये कोरोना से संक्रमित हैं। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी आपसे अपील है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको आप कोरोना से बचाना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका प्यार और समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्कार।